हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज की दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगी जो दिखने से तो बहुत ही शरीफाना तबीयत के मालिक होते हैं लेकिन आपकी जान भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्लो लोरेंस। दोस्तों, अब ज़रा इन मासूम आँखों को देखें और तसव्वुर करें कि क्या दुनिया में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आँखों वाला जानवर पाया जाता होगा। मगर आपने अक्सर सुना होगा कि आँखें अक्सर धोखा देती हैं। ये जुमला इस नन्ही सी मखलूक पर बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे वाहिद जहरीला मैमल है। बदकिस्मती से ये किसी इंसान को काट ले तो उसे एक जोर का झटका लगता है, पर इसके अलावा बहुत से नुकसान होने का खदशा होता है। द जायंट एंटीटर। दोस्तों, ये जानवर आपने पहले कभी देखा होगा। इसका नाम एंटीटर है। आप इसे लोकल जुबान में मोरखोर का नाम भी दे सकते हैं। दिखने में यह जानवर मैला कुचैला और बद्धा सा नजर आता है। क्योंकि इसके दांत नहीं है तो यूं लगता है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर ऐसा ख्याल दिल में लाने से पहले जरा इसके पंजों की तरफ ध्यान कर लीजिएगा। इसके पंजे किसी भी इंसान के जान लेने के लिए काफ़ी होते हैं। ये मोरखोर अपने सबसे ज़्यादा पंजों का इस्तेमाल करता है और इन्हें ज़मीन खोदने के लिए और अपनी खुराक निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर ये जानवर अपने पंजों को अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि इनके पंजे इनका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। ये अपने पंजों के एक ही वार से किसी भी जानवर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तस्मानियन डेविल। दोस्तों, इस छोटी से मखलूक का नाम तस्मानिया का शैतान है। इसका नाम इस भयानक जानवर के पीछे छुपी कहानी को बयान करता है। दिखने में यह छोटा सा जानवर बहुत ही ज्यादा फनी और कार्टून टाइप नजर आता है, मगर ये तब तक बेजरर लगता है जब तक ये अपने तेज और नोकीले दांत ना निकाल ले। बाज़ोकात ये दिखने में चचुंदर जैसा भी दिखाई देता है। ये बड़े से बड़े जानवर को अपने तेज नोकीले दांतों से जख्मी कर सकता है। आप यूं कह सकते हैं कि ये छोटी सी मखलूक किसी भी इंसान की जान ले सकती है। दोस्तों, द पफर फिश। समंदरी हयात की तरह ये भी नहायत खूबसूरत और अलग किस्म की मछली है। जापान में पफर फिश को बहुत ही ज्यादा शौक से खाया जाता है और इसे फोगो नामे मजेदार डिश भी तैयार की जाती है। मगर यहाँ एक बात बेहद जरूरी है कि अगर इसे बनाते वक्त जरा भी एहतियात ना बरती जाए तो खाने वाले की जान भी जा सकती है। दरअसल पफर फिश के अंदर एक खास किस्म का टॉक्सिन मौजूद होता है, जिसे वो अपने दिफा के वक्त और शिकार के वक्त इस्तेमाल करती है। इस मछली में ये जहर किसी भी इंसान को शदीद किस्म का बीमार कर सकता है और आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। स्वान। दोस्तों, हंस नामी ये जानवर रोमांटिक थिंकिंग की अलामत के लिए इस्तेमाल होता है। हम इन्हें ट्रू लव के साथ भी जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि ये किसी को भी कोई जरर नहीं पहुंचाता होगा। मगर सच्चाई ये है कि ये जानवर आपको बुरी तरह जख्मी कर सकता है। चाइना में इन जानदारों को निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्हें किसी भी किस्म का कोई खतरा महसूस हो तो ये अपने दिफा के लिए किसी पर भी हमला कर सकती हैं। द मोज। दोस्तों, हिरन और बारासिंगे के खानदान से ताल्लुक रखने वाले इस जानवर को मोज कहते हैं। दरअसल ये गाय के साइज का होता है। इसकी नेचर भी गाय जैसी ही होती है और अपनी शरीफाना तबीयत की वजह से ये जानवर बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला ये जानवर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। खतरा महसूस होने पर मोज अपने बचाव के लिए अपने बड़े बड़े सींगों से मुखालिफ पर हमला कर देता है और इसे जख्मी कर देता है। द पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, अव्वल तो हमें मेंढक से कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन पॉइजन फ्रॉग की बात जरा अलग है। दिखने में तो ये अपने मुख्तलिफ रंगों की वजह से बहुत ही खूबसूरत और पुष्कशिश नजर आते हैं। ये कई तरह के रंगों में पाए जाते हैं, मगर इनका जाहिर और बातिन में बहुत फर्क होता है। मगर इन खूबसूरत मेंढकों में इतना जहर भरा होता है कि ये किसी भी जिंदा जानदार की जान ले सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जहरीला और खतरनाक गोल्डन रंग का होता है, जो बआसानी कम से कम 10 लोगों की जान ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।